13 अक्टूबर 2019 की जो हायर एजुकेशन सेक्टर की न्यूज है उसमें फर्स्ट ये है कि पंजाब यूनिवर्सिटी ने जो है ब्रेस्ट कैंसर के अवेयरनेस का सेमिनार कंडक्ट किया गया, जिसमें मुख्तलिफ स्पीकर्स ने इसके बचाव के तरीकेकार और इसकी सिवेरिटी के लिए सेंसिटाइज किया। देन ये दूसरी न्यूज ट्रिब्यून में पब्लिश हुई है जो सिंध में बोर्ड और यूनिवर्सिटी के लिए जो एडवर्टाइज की गई थी पोस्टिंग चेयरमैन बोर्ड्स और वाइस चांसलर्स के जो अनाउंसमेंट हुई वैकेंसी के, फर्स्ट एडवर्टाइज में एज जो थी वो 50 मिनिमम और 60 मैक्सिमम थी, फिर उसको एक्सटेंड किया गया और 65 तक किया गया। तो कपवासा और बाकी जो डिफरेंट स्टेक होल्डर्स हैं उन्होंने इसके तहफात शो किए कि ये शायद पसंदीदा लोगों को अपॉइंट करने के लिए चीज की गई है। ये खबर डी न्यूज में पब्लिश हुई है। फिफ्थ जनरेशन वार के हवाले से वर्कशॉप कंडक्ट हुआ रिफा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में, जिसमें IIB इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर वो भी शामिल थे और स्पीकर्स ने अपने जो ख्याल का इजहार किया और मीडिया को एज ए टूल एज ए वेपन फॉर फिफ्थ जनरेशन वार करार दिया और इसके असरात और इसकी वजह से लोग वो माशरे में जो एक्शन लेने को तैयार होते उस पर बातें की गई। उसके बाद ये सेंटर ऑफ चाइनीज लीगल स्टडीज जो है उसको लम्स लाहौर में ओपन किया गया, जिसमें जो चाइना का लीगल सिस्टम है वो पढ़ाया जाएगा और जो यहाँ पाकिस्तानी जो लॉमेकर्स हैं या एकेडमिशंस हैं उनको वहाँ पर ट्रेनिंग दी जाएगी। उसके बाद ये ट्रेनिंग वर्कशॉप जो है चारसदा यूनिवर्सिटी बचा खान यूनिवर्सिटी चारसदा में जो है कंडक्ट की गई, जो वाइस चांसलर